वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास फोर EVS का लेसन नंबर फोर, द स्टोरी ऑफ अमृता। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये स्टोरी किसकी है? अमृता की, जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वह जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के खेजरी गांव में रहती थी, जहां पर खेजरी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। उन पेड़ों को बचाने के लिए उसने, उसकी बेटियों ने और गांव के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेसन प्लान, इसके अंदर ये बताया जाता है कि हम लेसन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेसन में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा, किन किन किस किस मीडिया का या TLM का यूज़ करके बच्चों को सिखाया जाएगा, और उसके बाद बच्चों की वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। टारगेट लर्निंग आउटकम्स। टारगेट लर्निंग आउटकम्स, इस लेसन का उद्देश्य क्या है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इससे हमें ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगेगी बच्चों, कि ट्रीज़ हमारे किस किस काम आते हैं। हमें एनिमल्स की इम्पोर्टेंस पता लगेगी, एनिमल्स हमारे हमारे लिए किस तरह लाभदायक हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हमें जंगलों के बारे में, उनकी महत्वता के बारे में पता लगेगा कि वो हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। अमृता कौन थी, उसका क्या मिशन था, खेजरी ट्री, इन सब के बारे में हम इस लेसन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज खेजरी ट्री। ये जो है खेजरी ट्री है, खेजरी ट्री जो है जोधपुर के खेजरी गांव में बहुतायत में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है खेजरी पड़ा है। ये एक छोटे किस्से गांव राजस्थान के गांव जोधपुर के खेजरी विलेज की है। खेजरी विलेज का नाम वहां पर पैदा होने वाले खेजरी पेड़ों की वजह से मिला था। वैसे तो वहां दूर दूर तक रेत है, लेकिन फिर भी बहुत कम पानी में ये पेड़ उग जाया करते हैं। यहाँ के लोगों के प्यार की वजह से ये पेड़ दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। वो एनिमल्स की भी बहुत देखभाल करते हैं, जैसे कि गोट्स, डियर, हेयर्स, पीकॉक्स, रोम्ड फियर लेसली डियर, जो वहाँ पे हिरन है, बकरियाँ हैं, और जो खरगोश है और मोर हैं, वो वहाँ पर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वट देयर एल्डर्स यूज टू टेल दैम। गाँव वालों को याद है कि उनके बड़े उन्हें क्या कहते। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। उनके बड़े कहते थे कि अगर पेड़ है तभी मनुष्य का अस्तित्व है। प्लांट्स एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, पेड़ पौधे उनके बिना रह सकते हैं, लेकिन हम इंसान उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। अमृता फ्रेंड उसी गांव में रहती थी, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की अमृता। अमृता रोज सुबह उठकर अपने दोस्तों से मिलने जाया करती थी। उसके दोस्त पता है कौन थे? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगली जानवर, ये सब उसके दोस्त थे। वो एक पेड़ को हर रोज चुनती थी और उसे अपना दोस्त बनाती थी और उसके साथ खेलती थी। वो उसके पेड़ के चारों तरफ जो है अपनी बाजुओं को तने कोल पेट लेती थी और उसके साथ खेलती रहती थी, उसके साथ बातें करती थी। और पता है क्या कहती थी? यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मेरे दोस्त तुम सब कितने सुंदर और कितने ताकतवर हो, तुम हमारी देखभाल करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव यूअर स्ट्रेंथ टू मी आल्सो, अपनी शक्ति मुझे भी दे दीजिए या हमें भी दे दीजिए, ताकि मैं भी लोगों की सेवा कर सकूं। प्लांट्स गिव फ्रूट्स टू ईट, प्लांट्स हमें खाने के लिए हमें जो है फल देते हैं, हमें छाया देते हैं और हमारे आसपास की वातावरण को फ्रेश करते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके।
लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन आल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह दूसरे बच्चों के पास भी अपने अपने स्पेशल पेड़ थे। दे वुड प्ले 4 आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। वो सारा दिन पेड़ों की छाँव में कई घंटों तक खेलते थे। इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बिन प्लांटेड। क्या तुम्हारे घर के आसपास, स्कूल के पास या रास्ते के चारों तरफ कोई ऐसे पेड़ हैं या पेड़ लगे हुए हैं? वाई वर दे प्लांटेड देयर, वो वहाँ पर क्यों लगाए गए हैं? क्यों लगाए गए हैं बच्चों? दे वर प्लांटेड देयर टू गिव फ्रूट्स शेड एंड टू कीप द एयर फ्रेश। वो वहाँ पर क्यों लगाए गए हैं? ताकि पौधे हमें फल दे सकें, हमें जो है छाया मिल सके और वो है हवा को फ्रेश कर सके, हमें ऑक्सीजन दे सके ताकि वो ठंडी ताजी लगे। हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? क्या आपने किसी को देखा है उसकी देखभाल करते हुए? हु डज दिस? कौन इनकी देखभाल करता है? गार्डनर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ दीज ट्रीज एंड प्लांट्स। वैसे तो हम सभी को इनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो माली होते हैं वो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दीज फ्रूट्स? क्या आपने देखा कि इन पर कौन से फल लगते हैं? कौन इन फलों को खाता है? देयर आर मैंगो ट्रीज, गावा ट्रीज, चीकू ट्रीज। वहाँ पर रास्ते में हमें आम के पेड़, अमरूद के पेड़, चीकू के पेड़ मिल जाते हैं। द पीपल हु टेक केयर ऑफ द ट्रीज एंड बर्ड्स ईट द फ्रूट्स। जो उनकी देखभाल करते हैं या जो पक्षी होते हैं इनके फल को खाते हैं। ट्रीज इन डेंजर, पेड़ पौधों पर खतरा। टाइम वेंट बाय, समय गुजर गया। अमृता वाज नाउ ग्रोन अप। अमृता अब बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपने दोस्तों को मिलने गई। शी सा दैट थ्री देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि उसके गांव में कुछ अजनबी आए हुए हैं। दे हैड एक्सिस विद देम। उनके हाथों में क्या है? कुल्हाड़ी है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट फॉर वुड। उन्होंने कहा कि जो राजा ने उनको जो है पेड़ों को काटने के लिए भेजा है। द वुड वॉज नीडिड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। लकड़ी किस लिए चाहिए थी? राजा के महल के लिए चाहिए थी। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, उनके हाथ में क्या है? एक्सिस है। अमृता वॉज शॉक्ड। अमृता को बहुत धक्का लगा। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वह उन पेड़ के पास गई जिसे वो आदमी काटने वाले थे। उसने अपनी बाहें उस पेड़ के चारों ओर फैला दी और उसे हग कर लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर। वे आदमी चिल्लाने लगे और उन्हें डराने लगे। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुई। द किंग मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। राजा के आदमियों को तो राजा का आदेश मानना था। दे हैड टू कट द ट्री। उन्हें तो पेड़ों को काटना ही था। ऑन सीइंग दिस, इसे देखकर अमृताज डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग्ड एंड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। यह देखकर अमृता, अमृता की बेटियों और गांव के कई सौ लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें चारों तरफ से हग कर लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। कई लोग, अमृता और उसकी बेटियों ने अपनी जान पेड़ों को दे दी, क्योंकि राजा के आदमियों को तो पेड़ों को काटना ही था। ये देखिए वो काट रहे हैं ना, कैसे उन्होंने हक किया हुआ है और वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। वेन द किंग हियर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल गेव अप देयर लाइव्स फॉर ट्रीज। जब राजा ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। वह खुद वहाँ पर गांव में आया। देयर ही लर्न्ड अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट द ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ उसने देखा कि कैसे गांव वाले पेड़ पौधों और पशुओं की देखभाल करते, उन्हें आदर सम्मान देते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू सी? क्या आपको याद है कि गांव के बड़े लोग क्या कहा करते थे?
अगर पेड़ है तो हम हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? क्या आप सोच सकते हैं अगर पेड़ पौधे और जानवर नहीं होंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं? नो वी कैन नॉट सर्वाइव, ट्रीज एंड एनिमल्स आर नॉट देयर, द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। गांव वालों की जो फीलिंग थी पेड़ों के लिए, जो भावनाएं थी, उसे राजा को बहुत अच्छा लगा, वो इम्प्रेस हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देम ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हार्म्ड ऑफ दैट एरिया। तो उसने आदेश दिया कि उस गांव और उस आसपास के एरिया में कोई भी ना पेड़ काटा जाएगा ना कोई पशु पक्षी को मारा जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विश्नोई। आज भी लगभग 300 साल के बाद इस जगह के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं वो पेड़ पौधों का और जानवरों का वैसे ही आदर करते हैं। उन्हें बिश्नोई कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गांव के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाया था, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, बिश्नोईज। ये देखिए प्यार कर रहे हैं वो पेड़ पौधों से, वो जीव जंतुओं से प्यार कर रहे हैं, फीड करवा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो इन ये सब कौन है, बिश्नोई हैं। इनको क्या कहते हैं हम, जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर? तुम भी अपने लिए कोई दोस्त क्यों नहीं बनाते और ये देखते कि साल के अलग अलग महीनों में वो कैसे बदलते हैं? राइट अबाउट एनी वन ट्री, ऐसे ही किसी एक के पेड़ के बारे में लिखिए। डज द ट्री फ्लावर, क्या पेड़ पर फूल आते हैं? यस द ट्री फ्लावर, हाँ पेड़ पर फूल आते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या साल भर पेड़ पर फूल रहते हैं? नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, नहीं साल भर पेड़ों पर फूल नहीं रहते। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, किस महीने में पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं? द लीव्स फॉल इन फॉल मंथ ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर जब सर्दी का महीना होता है उस टाइम पर सभी पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां फिर वहां पर आ जाती हैं। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए शिरजा एजुकेटर्स को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस।